हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ गया है, मतलब कि लगभग एक हफ्ते का टाइम लगा। मेरा कुछ पर्सनल रीज़न और यू नो स्टडी का लोड और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, लेकिन आज हम लोग आए हुए हैं अपने खेत में। और गाइस, मेरे बगल है तनुज जो कि गुस्से में है, और उसके पीछे कृष्णा हमारी बुआ का बेटा। और तनुज क्या हुआ यार? गाइस, सुबह सुबह मेरी तनुज की लड़ाई हो गई और अभी तक मेरे से बात नहीं कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, रियल में तो मैं आया ना वीडियो में। यहाँ पे आए हुए हैं, वो है हमारा खेत। और आज तक मैंने आपको यहाँ पे मतलब दिखाया नहीं कि इधर मेरा खेत है। आपको जो पीछे दिख रहा है ये भी है, इधर भी है, भाई फेंक नहीं रहा हूँ, रियलिटी में है। और आपको जैसे कि पता है ये टाइम चल रहा है धान लगाने का, यू नो धान क्या बेहन डालने का समय चल रहा है। और इस बगल वाले खेत में क्या होते हैं, कब बेहन डाला जाएगा। और बाकी के ये जो खेत है ये भी हमारा है, वो जो पीछे ट्यूबवेल है वो भी हमारा है, आपको दिखाएंगे जाके। और ये वाला खेत, वो वाला खेत, ये पीछे वाली बाग हमारी नहीं है। और कई लोग कह रहे होंगे बहुत फेंक रहा है यार, लेकिन है रियलिटी में, सो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। और इस तरफ भी हमारा खेत है और हमारे दादाजी वहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग भी कुछ काम करने के लिए इधर आए हुए हैं। असल में जब बेहन डालेंगे तो जानवरों से बचाने के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कोई सेफ्टी के लिए बांस वगैरह, तो ये बांस लेकर हम लोग आए हुए थे और अभी लगाएंगे। आप देखिए इधर कुछ लोगों ने लगा रखा है, बेहन डाली और उसके बाद सेफ्टी लगा रखी है। उधर कुछ लोग लगा रहे हैं हमारे पीछे और हम भी अभी लगाने वाले हैं। तो गाइस, धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन काम करना पड़ेगा। और अभी बगल में आए हुए हैं, जो मैंने आपको बाग दिखाई उसमें है आम, और अभी आम तोड़ने जा रहे हैं। गाइस, यहाँ पे कीड़े बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा कीड़ों की आ रही होगी। और इस वाले पेड़ में आम बिल्कुल भी नहीं है, पिछले साल से इस साल नहीं है, और अभी आगे वाले में चल रहे हैं। आगे वाले में है, आपको दिखा। हमें देखिए एक मज़ेदार चीज़, डरा तनुज यहाँ वहाँ यहाँ तनुज यहाँ हुआ यहाँ की दिखाई, इधर इधर हुआ। तो गाइस देख चुका है, आपको एक पेड़ दिखाता हूँ जिसका जो शेप है यार, मतलब गाइस ऐसे लग रहा है, मतलब आपको कैसे लग रहा है ये पेड़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों साइड बैलेंस है, यानी कि जितना इधर गिरा हुआ है उतना इधर भी गिरा हुआ है, और ऊपर पूरा खाली, भाई मस्त लग रहा है एकदम। एक स्टंट करके, ये है कृष्णा हमारी बुआ का बेटा, मैंने आपसे इन्हें पहले इंट्रोड्यूस कराया है। गाइस, इसे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये मेहंदी खूब लगवाता है। देखें, देखो पके नहीं। गाइस, कच्चे कच्चे आम मिले हुए हैं यहाँ पे, भाई ये पका हुआ है क्या? गाइस, फाइनली आम कच्चे वाले मिल चुके हैं, मुझे से पके मिलेंगे लेकिन। तो करना कैसा लग रहा है आम खाने वाला, भाई बहुत बहुत ध्यान से खा रहा है, कैसा लग रहा है? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प रहा नहीं जाता। लगाना था उस साइड, इसीलिए हम लोग आए हुए थे। गाइस, फाइनली हमें आम तो मिला, लेकिन यार एकदम खट्टे खट्टे आम। और जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ सिर्फ, मतलब इतने बड़े खेत के एरिए में एकमात्र नीम का पेड़ है, भाई यहाँ पे सुकून मिलता है। और ये भी हमारा ही है, तो गाइस ये भी आम खा रहा है। रमाल किरा, ओए ए ओए गिर जाता है।
लगाए हुए हैं, और इसमें क्या है, उसमें गुड़ है और इसमें रसगुल्ले और एक बाल्टी पानी और एक बोतल भी पानी है। तो गाइस अकेले बचाऊंगा अभी खेत में, अकेले सारा काम करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या दिखाया, जानबूझ के नहीं दिखाया, मतलब ऐसे नेचर में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं यार। मीन्स अगर आपका कोई काम है वो ना हुआ तो कई लोग होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कहते हैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि वी हैव प्लान बी, एंड अगर इफ़ योर प्लान बी इज़ वेस्ट देन यू हैव ओनली प्लान सी एंड देन प्लान डी प्लान ई प्लान ई। अब मतलब ट्राई करते रहो यार, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। फिलहाल एटलीस्ट मैं ही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट एंड स्मार्ट वर्क नेवर डिजर्व वेस्ट। तो अभी और भी काम करना है, फालतू की लेक्चर देने लगा, मुझे पता अच्छा लगता है।